अगे नू बदा के पैर पिछे नू हटाना की ते बन के प्रेमी फिर दिल नू डलाना की। अगर सिर्फ ये दो लाइनें आप मान लो ना, आपको टेंशन आएगी नहीं। सत्संगियों को तो खास करके दो लाइनें अग्गे नू बधा के पैर पिछे नू हटाना की ते बन के प्रेमी फिर दिल नू डलाना की। या तो आपने इश्क किया हो किसी बंदे से, या तो आपने इश्क किया हो चोर डकैत से, या तो आपने इश्क किया हो किसी पशु जानवर से, नहीं ना। आपने इश्क किया सतगुरु मौला रब्बे से, उस रब से। जब उससे रब से इश्क कर लिया, वो तो फिर पल पल की जानता है ना। क्या उसको आपकी मजबूरी का, आपके दुख का पता नहीं चलेगा? पर आप चलने देते नहीं, पहले चीखने लग जाते हो। एक इसी बात पे एक बात याद आ गई, आपको कई बार पहले भी सुनाई है। कोई आदमी डूबने लगे, कश्ती पे सवार थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे, तो कश्ती सवार ने कहा हम डूब रहे हैं। तो मल्लाह कहने लगा चार लोग कुर्बानी दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं, बच सकते हो। तो सभी कहने लगे यार चलो ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग आपा कुर्बानी देते हैं। एक ने अपने मालिक को याद किया, छलांग मारी, वो किनारे पहुंच गए। दूसरे ने याद किया, उसने छलांग मारी, वो पहुंच गया। तीसरे ने किया, वो उसने छलांग मारी, वो पहुंच गया। अब चौथे की गड़बड़ होगी, चौथा कभी ऊपर आ जाए कभी नीचे चला जाए, कभी ऊपर आ जाए कभी नीचे चला जाए, और आखिरकार वो डूब गया और मर गया। कहते हैं वो जमराज के पास गया, इसे कहानी मानिए लेकिन है ये हकीकत के बिल्कुल नजदीक। कहते हैं जमराज के पास गया और गुस्से होने लगा। जमराज कहता भाई तू गुस्से क्यों हो रहा है? कहता यार बड़ी अजीबोगरीब हुई मेरे साथ। कहते क्यों? ऐसे ऐसे उसने घटना बताई, हमने छलांग मारी, तीनों ने अपने अपने मालिक को याद किया, पार हो गया, मैं रह गया। मैं क्यों डूबा? मैंने भी तो मालिक को याद किया। जमराज कहने लगा हां बात तो आपकी ठीक है, मालिक के पास चलते हैं। मालिक के पास गए, मालिक मुस्कुराए, आ गए। कहने लगा जी, जमराज कहने लगे हे भगवान, हे अल्लाह राम, ये आपके पास आए हैं और इन्होंने ये बताया है। तो मालिक मुस्कुराए, कहने लगे सुन भाई, तूने हमें याद किया एक संगीत वाद्य बजाने के वाले के रूप में, तो हम अभी सब सारा सामान टांग टूंग के अभी सितार स्तूर उठा ही रहे थे कि आपका इरादा बदल गया। आपने कहा मुझे चाहिए जो अस्त्र शस्त्र से लैस हो। कहते मैंने बीना टांगी, बंसुरी टांगी, मैंने अस्त्र शस्त्र धारण किए ही थे, मैं अभी चलने लगा तो आपका इरादा बदल गया। आप कहने लगे नहीं जी, मुझे तो ऐसे नहीं, इस रूप में चाहिए। कहते मैंने वो रूप धारण किया ही था, तुझे बचाने के लिए चलने लगा, आपका इरादा फिर बदल गया। आप कहने लगे मुझे तो औरत रूप में आके भगवान बचाए। तो वो कहता जी फिर क्या होगा, आप आ जाते। कहते मैं साड़ी बांध रहा था तब तक तू डूब गया, मैं क्या करूं। अब चक्कर ये है ना, राम सतगुरु अल्लाह तो आपके दुख दर्द दूर करने आते हैं, पर आपकी एक डिमांड कम पूरी होने वाली होती है, आपकी 10 डिमांड आप साथ में पंजाबी च कहते तय नाल तय ला देने। पहले रस्सा बनाया करते थे, हम भी बनाया करते थे, आप भी बनाते रहे होंगे। तो उसमें सण सण हुंदी है, एक रस्सा बनता है उससे, तो कहते ढाई नाल ढाई लाती। सो आप तो ढाई नाल ढाई लाते रहे, एक थोड़ी जी पूरी होने लगती है 10 नवियां तैयार, एक फाइल पूरी नहीं होने देंगे 10 नवियां तैयार लिख के भी रब्बा जी आ ही गए तो फिर आप ही कर जी। सो भगवान
पे दृढ़ यकीन रखना बहुत जरूरी है। दृढ़ यकीन रखो, हो नहीं सकता कि आप जो करो और वो आपको खुशी का कोई कारण ना दे, मतलब ही नहीं है। दुनिया से उम्मीद मत रखिए, वो आपको दुखी कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, टॉन्ट कर सकते हैं, आपकी खुशी को भंग कर सकते हैं। इसलिए हजम रखो, क्योंकि तेनू यार नाल की थी, तेनू चोर नाल की, अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। तू तो ध्यान रखना अपने सतगुरु मौला से, वो तेरे पे खुश, और जिससे यारी लगाई अगर वो खुश है तो दूसरों से क्या टिंडियां लेनी है फिर? सीधी सी बात, लेना भी क्या है किसी से? पर अगर वो नाराज हो जाता है तो दूसरे चाहे लाखों खुश होते फिरें, वो जिंदगी का मजा नहीं आता जीने में जो उसके इश्क में आया करता था।